ठीक है सर, काल का पिताजी कौन है इन? तो जोर बोलो। हाँ, काल का पिताजी कौन है? वही बात पूछ रहा हूँ ना। हाँ, तो क्या नहीं के कोई बुजुर्ग आदमी था गांव में। हाँ, तो मारा जिसन को कोई थोड़ा बड़ो आदमी हो। हाँ, तो वो गांव में गयो और वो महाराज ने पूछियो। हाँ, आपने जो माँ के वो गांव में महाराज रहे, जब मैं उठे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो गांव में गया महाराज के, गया महाराज ने कोई तेना बात पूछवा के लिए आया। तो महाराज की पूछो सा, तो महाराज अपने काल का पिताजी कौन है? अच्छा, कहीं पूछो कि काल का पिताजी कौन है? कौन है मतलब काल में बड़ो कौन है? हाँ, काल का पिताजी मतलब कहने मतलब। हाँ हाँ, तो बेबी मतलब महाराज भी वो मतलब बेचार में पड़ गया, कंफ्यूज हो गया। कन्फ्यूज गए क्या इनको तो महाराज के नहीं, वो लेख में ही लिखे उड़ो कौन? सही सही। तो फिर क्यों यार एक बात को जवाब में तेन छः महीने बाद में या साल भर बाद में दे पतो करन दे। हाँ, क्यों यार ते महाराज ही यार थे कहो छः महीना साल भर दे। हाँ, तो कहाँ यानी तो महाराज की हो गए महाराज तो वो यानी कम ज़्यादा उम्र में हाथ दिया लड़का ना काशी जी मेले पडबा कि भी इको उतर वो लड़को पे दी तो। हाँ, वो दे सके। हाँ, फिर भी का लड़का ने भेजो मतलब वो काशी जी भेजे। हाँ, तो कोई गाँवड़ा बस स्टैंड पर उतर कोई गाँवड़ो गाँव जो जड़े बुटाऊँ गाड़ी लग गई को ना, तो वो लड़को पैदल जावे। हाँ, तो आगे गाँव को मायने गियार बाकी घर कोई दूसरी होटल वगैरह हार कोई एक मकान आयो तो वो मकान जार बटे रुकियो। हाँ, रुकियो और बारे जार वो कोई पेड़ हो दिखियो कि भैया वोटे बैठो बेचार एक वैसे को घर होगा वैसे जार एकदम मन पूछियो फिर भी किताब को एकान कही है। तो मैं उठ फलाना गाँव को हूँ कोई मैं काशी जा आई पढ़बा। हाँ, तो कई बात है तो हमारे पिताजी कोई क्यों तू वहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ तो तू तो थार गाँव में ही मोकली स्कूल ना है आजकल तो मोकला साधन है प्राइवेट है तू काशी करने जाओ पढ़बा। तो नहीं कोई एक सवाल को मतलब वो जवाब को मिली जी के वास्ते में पढ़ाई कर बजा कि कई सवाल है कि काल का पिताजी कौन है? तो हमारे पिताजी जो मैंने उठे भेज दिया तो क्योंकि चल तू ऐसे कर इनकी तो पढ़ाई मारा कर नहीं है तू घर जा और तार पिताजी ने भेज दीजिए बहन बता दे मैं बता दे थाना तो कहीं समझ कम बैठे वो बुजुर्ग आदमी है जो वो समझ जाए डटी। हाँ, फिर वो घर चल गो घर जाकर वो पिताजी की वापिस कहना आ गया घर पे। हाँ, तो क्योंकि मैं तो वहाँ गाँव जा यार वो काशी जी हूँ थोड़ा वो दूर ही यार वो एक गाँव रो आए तो वहाँ उठ मैं रात रुकियो तो वहाँ एक वो अपने वेशों को करो। हाँ, बाकी वो इतना तुम्हारे पिताजी ने भेज दीजिए मैं उत्तर बता दें मैं उत्तर बता दी। हाँ, फिर दूसरे दिन महाराज गया वहाँ रवाना किया तो वहाँ वो पत्तो बता दियो अभी आगे गांव में गया। हाँ, अभी गांव में गया अभी पाछ वहाँ जटे वहाँ बेचे रे भी बटे। हाँ, बटे गया ठीक है वहाँ महाराज बटे ही जार जो पेड़ की छाया में बेचे यार वहाँ लोटो लहर पानी को आएगी। हाँ, पानी लहर आई बाकी भाई आपने कौन का गर्म हुआ आप? हाँ, क्योंकि भाई महाराज बेटे मारी जाती तो छुपाऊँ कौन मैं? हाँ, जाती हूँ तो मैं बेची हूँ तो क्यों मैं देशियों को। हाँ, देशियों को पानी खाऊ पीवा और ना नहीं तो पानी पीवा नहीं खाणो वाणो खाऊ ब्राह्मण ब्राह्मण हमें तो। हाँ, तो कहते चलो ठीक है फिर वह विचार कर पाची घर में जार पाची पाछो लोटो ले फिर दोबारा आई जार आर की महाराज एक जल गणेर कर लियो। हाँ, तो को मैं ऐसे तो करूँ नहीं वाद्य तैयार करो। हाँ, मैं तेन दक्षिणा दे दू और जल गणेर कर लियो तो क्यों कई दर्शना दे क्योंकि वहाँ एक सोना की मोहर है महाराज आप आपके भेंट कर लियो और पानी पी लियो। हाँ, तो महाराज वहाँ जटी एकदम ही वहाँ मोहर न दे कर महाराज को मतलब मन आगो पास कर मतलब वो लालस में आ गया। हाँ, और पानी पी लिया पानी पी फिर क्योंकि तो ठीक बच्ची भाई मैं हम चलते हैं। हाँ, तो क्यों महाराज यहाँ थोड़ी हो गए आज थोड़ी बहुत घंटों खंड और टाइम दे और घंटों खंड और बिराजो। तो जितने बार रोटी की तान मान कर ली फिर क्यों जी महाराज मैं खानो बना दिया रोटी ले रोटी गाल लिए थे ना आपने तो क्यों मैं पानी पी लिए जो बहुत है रोटी न खाऊं ये क्यों महाराज से हमारे घर को पानी तो पी ली दो तो यान करो मतलब खाली हाथ रोटी मत खाओ और आपने दो मोर और दे दिए खानो खाबा के लिए वास्ते। अच्छा,
तो फिर दो मारा दो मतलब मोर और दे दी तो महाराज फिर खानो जीम लिया खानो जीम रवाने वाला यार मतलब थोड़ी टाइम रियो जी क्यों महाराज से पैदल जाओ आगे कई साधन न मिले कड़ी कांकड़ में भटकता फेरो यही रुक जाओ आप तो कहने तीन मोर तो एक मोर तो पानी पी दी जी की दे दी थे दो खानो खाई जी की दे दी और दो आपने मैं रात रूगी जी की दे दे तो महाराज तो बटे आराम कर लिया और रात भर वहाँ ही रुक गया सुबह रुवाने यार क्यों भी महाराज अब तो अब मैं जाऊँ वहाँ काशी जी जाओ वहाँ तो कई के बात है तो माँ के कोई बुजुर्ग आदमी मैंने पूछियो कि भाई काल का पिताजी कौन है बिंगू पत्तो करवा दो बिंगू पत्तो कर बच जाऊँ तो क्यों महाराज थे उतनी दूर थे तो मौका थे खुद ही महाराज हो बुद्धिमान हो आप भी विचार लगा लेता थे मारे घर को अंदर भी न ले लिया पानी भी न पी लिया खानो भी न खा लिया और मारे घर न मारी खाट पे भी न बैठ सको आप और आप थे लालच में ना यार मैं तेने एक मोर दी दी पानी पी ली दो आपने दो मोर दी दी खानो खा लिया और पांचवी मोर दी दी थे आप ये रात ही रुक गया तो काल का पिताजी मतलब वो लालच में आ गया जाना लालच नष्ट कर दिया जी आप सब बेलड़ा ने बोल गया बिल्कुल कंप्लीट कही आप कही समाज सोच ने कही न मानियो लालच न मतलब लालच में आ गया तो काल का पिताजी लालच अच्छा बिना उतर बटी मिल गयो बिना उतर उठा ही मिल गयो और पास वहाँ पर ही बात घर पे चल गयो अच्छा काशी नहीं गयो काशी जी जा भाई जुड़ती कौन है ना महाराज ही विचार कर लियो का लालच हूँ मतलब तो काल का पिताजी लालच कुल मिला बहुत बढ़िया तो ये कहानी मपन यही सार मिले कि भाई लालच नहीं करना चाहिए कोई लालच नहीं करना चाहिए जना आ तो आप आई हैं लालच को माई आपने नहीं कोई खेदे हुए आप नहीं कई भी चीज है आप खाबो यूबो आप यूज न कही है और दिन यार मान लिया मैं ही हूँ मन के दे आप पानी पी लियो मैं कह दी मैं पानी न पीऊँ ले आप 500 रुपये ले लियो पानी पी लियो तो वो लालच ही है जी लालच करना न सब आदमी ने अपनी अपने दिमाग को अपना मतलब अपना हिसाब अपना शरीर ने सुरक्षित रात को अपना हाथ में धन्यवाद राम 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 राम।